हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप अपने बच्चों का दिमाग कैसे तेज कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि कोई प्रोटीन प्रोडक्ट पिलाओ तो बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा, या आप ये चीज़ खिलाओ तो बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे डेफिनेटली बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके बच्चे का मेंटल जो एक्सरसाइज है, वही आपके बच्चों को दिमाग को तेज कर सकता है। तो चलिए, मैं कुछ आपके साथ ऐसे शीट शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली अगर उस टाइप के बच्चों को आप शीट बना कर देते हैं तो बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो जाएगा और बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी करने लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के गेम को हम कैसे बच्चों के साथ खेल सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे 5 शीट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है कलर कोड, 1 से 8 तक के कुछ कलर कोड हैं। अब बच्चों को नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, इसके कलर को यहाँ पर करना है। तो अब जैसे 3 है, सबसे पहले आया 3, तो बच्चे को करना है यहाँ पे ऑरेंज कलर, तो बच्चे को बहुत ही ध्यान से ये करना पड़ेगा। 6 है तो उसे करना है यहाँ पर डार्क ग्रीन। 2 है तो उसे करना है यहाँ पर ब्लू। देन 1 है तो 1 के लिए उसे करना है यहाँ पर पिंक कलर, और 4 के लिए करना है लाइट ग्रीन। तो ये हो गया लाइट ग्रीन। इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराएं, क्योंकि उन्हें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है चीज़ों को, तो ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ। जी हाँ, पैटर्न्स, ये एक्चुअली पैटर्न्स है। पैटर्न्स के थ्रू बच्चा बहुत सोचता है, क्योंकि उस कितना भी आप बुक में पढ़ा दें उसको चीज़ों को, लेकिन उसका दिमाग कितना चीज़ों को सोच पा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चे को, अगर आपने इस तरह शीट नहीं किया तो एक दो एग्जांपल के लिए उसे कराएं और फिर इस तरह की शीट उसे बना के दीजिए। मेरी बेटी 4 साल की है, वो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कर लेती हैं। तो अगर आपका बच्चा 3 से ऊपर का है तो आप अभी से इसको ट्राई कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ बना के दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्क्वायर, हार्ट, सर्कल, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्क्वायर हार्ट सर्कल, स्क्वायर हार्ट सर्कल। तो अगेन क्या आएगा यहाँ पर, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, स्क्वायर स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर सर्कल, यहाँ क्या आ जाएगा, देन अगेन स्क्वायर, क्योंकि इसके सर्कल के बाद क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है, तो ये एरो कहाँ जा रहा है, राइट साइड, देन डाउन साइड, देन लेफ्ट, देन अप, आपके बाद फिर राइट, देन डाउन, अब क्या आएगा, लेफ्ट। तो नेक्स्ट होगा एरो लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे 2 है, फिर 1 हमने छोड़ दिया यहाँ पे, 3 4 छोड़ दिया, 5 6 छोड़ दिया, 7 8, अब हमने क्या छोड़ दिया यहाँ पर, 9 10 11 को छोड़ के यहाँ पे आएगा 12। अब जैसे यहाँ पर है, ये पैटर्न इससे रिलेटेड है। जैसे बच्चों को अगर इसमें थोड़ा सा बोर फील होता है कि यार ABCD हम पढ़ रहे हैं, तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करके समझाएं, देन इस टाइप की बना के दें शीट। ABC, सी के बाद देखिए क्या स्टार्ट हुआ था, ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। चलिए अब नेक्स्ट शीट देख लेते हैं। तो अगर आपने बच्चों को एडिशन भी सिखा दिया है तो आप इस टाइप का एक्टिविटी दे सकते हैं उन्हें। यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं, शेप के अकॉर्डिंग नंबर कोड दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे इसी शेप को लिया है, जहाँ पे स्टार है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हार्ट है, देन एक चॉकलेट बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें स्टार को और चॉकलेट को ऐड करना है, मतलब कि अगर हम नंबर की बात देखें तो स्टार में है 2 प्लस चॉकलेट में है 4, तो इसे हमें ऐड करना है। तो ये हो गया, बच्चों को पहले सिखाइए, फिर आप नई नई शीट बना के नए नए अंक दीजिए उन्हें, उन्हें समझने दीजिए चीज़ों को। फिर देखिए यहाँ पर है सर्कल, तो सर्कल का वैल्यू है 1, ट्रायंगल का है यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा अगेन 6। फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू है 6, एंड हार्ट की है 3, तो 6 एंड 3, ये हो गया 9। देख लेते हैं नेक्स्ट शीट। अब यहाँ पे बच्चों को हम ट्रेस करने को भी दे सकते हैं। यहाँ पे 3 एनिमल है, तीनों की एक अलग अलग काइट है, लेकिन वो आपस में उलझी हुई है, तो हमें देखना है कौन सी किसकी काइट है। तो बच्चे को आप ट्रेस करने के लिए बोल सकते हैं। तो जैसे ये, तो बच्चा ऐसे ट्रेस करता हुआ जाएगा और ये देख लेते हैं, तो ये काइट किसकी हो गई, आउल की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो
अब हम देख लेते हैं ये काइट किसकी है, तो बच्चा यहाँ से ट्रेस करता हुआ जाएगा ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये हो गई हेन की। और नेक्स्ट लास्ट है, तो वो समझ में आ रहा है कि किसकी हो जाएगी, देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी ये हो गई फ्रॉग की। तो बच्चे का कंसंट्रेशन इससे बढ़ता है, इस टाइप की एक्टिविटी भी आप ज़रूर दे सकते हैं। अब ये एक्टिविटी, तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये एक्टिविटी। इसमें बच्चों को एज इट इज़ ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, सारे मल्टी कलर से लिखे गए हैं और उसको वैसा ही कॉपी करके लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि देखिए मैंने यहाँ पे लिया है एक एट अल्फ़ाबेट, आप चाहे जितने दे दें, नंबर्स भी आप इसमें दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बच्चे को आप जो पढ़ाया तो उसका रिवीजन भी हो जाता है साथ ही साथ। तो आप इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर करें, इससे होता है बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। और तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, तो ए एज इट इज़ उसे लिखना है, यहाँ पे तीन कलर से लिखा है, तो बच्चा भी वो तीन कलर उठाएगा उसके बाद ही वो इसे लिख पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बताती हूँ। ऐसे ही आप बच्चों को एग्जांपल ज़रूर समझाइएगा ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। तो चलिए मैंने लिया है यहाँ पे ब्लू कलर, और अब हम लेते हैं एक ब्लैक कलर और स्लैंटिंग लाइन लगाते हैं उसके बाद। तो ये हमने लिखा है एक स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे खींचा, और अब हम लगाएंगे रेड कलर इस पर स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया है ए। बच्चे को ज़रूर पहले समझाएं उसके बाद ये एक्टिविटी दें, बच्चा बहुत आराम से इंजॉय करेगा। तो चलिए अब फ्रेंड्स, बच्चों का माइंड अगर शार्प हो रहा है धीरे धीरे, उन्हें मज़ा आ रहा है, तो आप इस टाइप की सीट जरूर दे सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है, तो बच्चा परेशान ना हो। जब उस टाइप की सीट वो कर ले, फ्रेंडली हो जाए एक्टिविटीज़ से, उसके बाद आप ये देंगे तो वो बहुत इन्जॉय करेगा और बहुत तेज़ करेगा माइंड को। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए बी सी डी ई अल्फ़ाबेट्स कैपिटल्स, और यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट। इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है, जैसे इसकी जो ए, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें उसकी वैल्यू देखना है, किस ब्लॉक में उसकी वैल्यू दी हुई है। जैसे ए बी, तो ए कैपिटल है बी स्मॉल है, तो हम ऐसा बच्चे को सिखा सकते हैं फिंगर रख के कि आपको ऐसा यहाँ पे मिक्स होगा। दोनों हैंड कहाँ जाएगा, सीधा सीधा ये डाउन पे आएगा, ये लेफ्ट पे आएगा, और ये कहाँ हो रहा है सिक्स पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स। अब नेक्स्ट क्या, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तो कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, ये आ गया यहाँ पर फोर। कैपिटल डे स्मॉल ए, ये आ गया है यहाँ पर भी आ जाएगा फोर। तो इस टाइप की एक्टिविटी अगर आप बच्चे को देते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है उसका इस पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट शीट। बच्चों को इस टाइप की भी आप चीज़ें दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि बच्चा कितना ध्यान से चीज़ों को देखता है और समझता है, ये चीज़ आप इन चीज़ों से जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग बनाई, आप बच्चे को यहाँ पे एज इट इज़ बनाने को बोल सकते हैं। जैसे अगर ये बनाना, तो बच्चा पहले उसको समझेगा फिर ही बना सकता है। जैसे यहाँ पर है, तो बच्चा ऐसा नहीं बना सकता, उसको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो यहाँ गई हुई है, फिर ये बना है, यहाँ है और यहाँ है, फिर ये ऐसी है, यहाँ है तो ये ऐसी है। ये चीज़ बच्चों को देखना है। कई बार बच्चा अगर गलती करता है तो वो फिर दोबारा ध्यान से देखेगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, और अंदर एक और ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस टाइप की बच्चे को शीट जरूर दीजिए करने को, कि वो एज इट इज़ कॉपी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कितना चीज़ों को समझ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स। तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है, तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकॉन है, तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आएगी, फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा। जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।